Hello everyone, welcome back to the channel. So here I am Anshika Tomar to share my knowledge with you. So aaj hum log samajhne wale hain class 9 ke chapter 2 that is polynomials ki first exercise. इससे पहले मैं इस चैप्टर की एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने ये पूरे एक्सरसाइज के टॉपिक कवर किए थे. तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए. अगर आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आपको आगे की और एक्सरसाइजेस के अंदर भी बहुत हेल्प होगी. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर. ये क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स के साथ साथ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं. तो हमें क्या करना है, जल्द से रिकॉल करिए हमने क्या पढ़ा था. पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर. अब देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है ये. 4x² - 3x + 7. अब इसके अंदर वेरिएबल्स क्या हैं, एक तो ये रहा x एंड सेकंड ये रहा x. अब यहाँ पे इस x की पावर क्या है, 2, और यहाँ पे इस x की पावर क्या है, 1. दोनों क्या होते हैं, हमारे होल नंबर. तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है. अगर यहीं पे इन वेरिएबल्स की जो पावर वो होल नंबर नहीं होती, जैसे कि होती डेसिमल में होती, फ्रैक्शन में होती या फिर नेगेटिव होती, तो अभी पॉलिनोमियल नहीं होती बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती. तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल. लेट मी यूज अनदर मार्कर. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ सॉरी इज अ होल नंबर. यहां मैंने क्या लिखा है कि यस ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है बिकॉज इसके अंदर जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, होल नंबर. अब यहाँ पे ये वन वेरिएबल से क्या मीनिंग है, मतलब उस पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए. तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है वो क्या है, एक्स. सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड पार्ट क्या है, y² + √2. अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वाई, तो वाई की पावर क्या है, 2. तो ये पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा बिकॉज यहाँ भी जो पावर है वेरिएबल की वो क्या है, होल नंबर है. हमें ये नहीं देखना है कि ये जो कांस्टेंट है उसके ऊपर क्या है, उसकी पावर क्या है, हमें ओनली क्या देखना है, वेरिएबल. कांस्टेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है हमको ना, मतलब है कोएफिशिएंट से, हमको ओनली क्या देखना है, वेरिएबल. तो यस ये भी क्या है, पॉलिनोमियल. अब बिल्कुल सेम यहाँ भी आप ये यही लिख देंगे बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर. थर्ड पार्ट क्या है, 3√t + √2. अब इसके अंदर वेरिएबल क्या है, हीरा. अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रूट. रूट का मतलब क्या होता है कि जो उस वेरिएबल है, जो नंबर है उसकी पावर क्या हो जाती है, 1/2. 1/2 कैसे हो, यहाँ पे ये रूट लगा हुआ. अब जैसे कि यहाँ पे ये रूट है तो इसके तो यहाँ पे अंदर की साइड जो नंबर लिखा होता है वो नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 2. तो इसलिए इसकी पावर क्या हो गई, 1/2. क्या 1/2 एक होल नंबर होता है, बिल्कुल नहीं, 1/2 एक होल नंबर नहीं है. तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज वेरिएबल की पावर तो फ्रैक्शन में हो गई, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है. तो आप लोग क्या लिख देंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर. फोर्थ क्या कह रहा है ये, y + 2/y. अब ये y क्या है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है. अब जब भी हम लोग अगर किसी को ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर भेजते हैं, मतलब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, तो क्या होता है, उनके जो साइन होते हैं पावर की वो चेंज हो जाते हैं. जैसे कि अब मैं अगर
इस y को ऊपर भेजूंगी तो क्या होगा, y प्लस टू। अब यहाँ पे ये y की पावर क्या है, 1 है। अब जब मैं इसको ऊपर भेजूंगी तो क्या हो जाएगी, y माइनस वन, बिकॉज ये यहाँ पे पॉजिटिव है, जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल चेक करेंगे यहाँ भी, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक y ये रहा है और एक y ये रहा। यहाँ पे इस y की पावर क्या है, 1, और यहाँ पे इस y की पावर क्या है, माइनस वन। क्या माइनस वन एक होल नंबर होता है, नहीं होता, तो इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। अब ये रेस्ट का लास्ट पार्ट क्या है, x की पावर प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब यहाँ भी चेक करते हैं, सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे हमको एक नहीं तीन तीन वेरिएबल्स दिख रहे हैं। अब पहले ये भी चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे इस x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है, ये तीनों तो होल नंबर होते हैं, तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है, बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या क्या आ गए, थ्री वेरिएबल्स हैं, एक x, y एंड देन t, और यहाँ पे इन चारों पार्ट में सिर्फ एक ही वेरिएबल था। तो हम लोग क्या लिख देंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नो सॉरी, यस इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, बिकॉज ये पॉलिनोमियल तो है बट इसके अंदर तीन तीन वेरिएबल आ गए, तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, लेट्स इरेज दिस। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, हर एक पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। अभी कोएफिशिएंट क्या होता है, सपोज कोई भी टर्म है उसके अंदर वेरिएबल के साथ साथ जो न्यूमेरिकल पार्ट में जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। जैसे कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ 5x, तो इसके अंदर नंबर क्या है, 5, तो ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट। अगर मैं आपसे कह रही हूँ -15y, इसके अंदर नंबर क्या है, -15, तो ये क्या हो गया इसका कोएफिशिएंट। तो ये होता है हमारा कोएफिशिएंट। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसके अंदर ढूंढना है हमको एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, तो ये रहा। अब इसके पास न्यूमेरिकल पार्ट मतलब नंबर क्या है, नंबर कहाँ है, अरे कोई नंबर ही नहीं है। अरे अगर कोई नंबर नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है, तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1। सेकेंड पार्ट क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब, इसके अंदर कहाँ है एक्स स्क्वायर, ये रहा। अब इसके पास भी कोई नंबर तो है ही नहीं, तो 1 लिखेंगे, अरे नहीं, इसके साथ ये साइन भी तो है माइनस का। अब ये मत कहना कि यहाँ पे हमने साइन क्यों नहीं लिखा प्लस का, हम लोग साइन प्लस का लिखते नहीं, इसलिए नहीं नहीं लिखा, अगर आपका मन है तो आप लिख दो, बट यहाँ पे क्या है, साइन किसका है, माइनस का, तो ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, -1। अब थर्ड क्या है, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके अंदर कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2। फोर्थ क्या है, रूट के अंदर 2 एक्स माइनस 1, इसके अंदर पूछ रहा है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कैसे होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सपोज यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, 0 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स माइनस 1। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर ये लाल मतलब हमने बना दिया खुद एक्स स्क्वायर, जब भी कुछ नहीं होता, जैसे कि हमने पढ़ा था ना जब 15 था, अब इसकी डिग्री क्या होगी, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे खुद ही एक वेरिएबल को लेट करके, तब तो मैंने एक्स ले लिया और उसकी पावर क्या करते थे, 0। हमने इसमें क्या किया था, खुद ही वेरिएबल लिया था, ऐसे हमने इसके अंदर क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर खुद ही ले लिया, मतलब हमने बढ़ा दिया टर्म एक आगे से, अब भी तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, हमने किसी भी नंबर को जो मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 ही आ जाना है, यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस रूट 2 एक्स माइनस 1। अब ये क्या आ जाएगा, रूट 2 एक्स माइनस 1, मतलब हमने
उसको ओनली से फॉर्म में चेंज कर दिया, उसके वैल्यू मीनिंग वो सब कुछ क्या ही है, रूट टू एक्स माइनस वन। तो इसलिए इसको इरेज कर देते हैं जरा। तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें क्या करने हैं, वन एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसके अंदर डिग्री क्या होनी चाहिए 35, और दूसरा देना एग्जांपल मोनोमियल का जिसमें क्या होनी चाहिए डिग्री 100। अब ये डिग्री हमने पढ़ा था क्या होता है, तो डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, मतलब उस पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री। एग्जांपल दे देते हैं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एग्जाम्पल भी लिख देते हैं ना, एग्जाम्पल ऑफ सेम ये कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं इसके, तो मतलब ना इनफाइनल ना कुछ भी दे सकते हैं, तो कोई वो नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखेंगे, फिर जो बुक में है वही लिखना है, हम अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो लेट्स टेक एक्स की पावर 35 माइनस एक्स की पावर 34। इसके अंदर क्या है, हमने एक्स ले लिया वेरिएबल, हमने दो वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे दो टर्म्स भी हैं, तो इसलिए हमारा बाइनोमियल है। अब यहाँ पे इस एक्स की पावर क्या है 35 और यहाँ पे 34, कौन सा बड़ा है 35 34 35, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 35। सेकेंड एग्जाम्पल क्या लेना है हमको, मोनोमियल का जिसके अंदर डिग्री होनी चाहिए 100, तो हमको सिर्फ एक ही उसके अंदर लिखना है, हमने दो दो टर्म्स ली थी, हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म लेनी है। तो लेट्स टेक एक्स की पावर 100 और यहाँ पे सिर्फ एक ही हमने यूज करी है, और यहाँ पे हमने क्या कर दी, पावर एक्स की 100। तो ये थे हमारे सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। इन इस क्वेश्चन का कुछ भी आंसर हो सकता है, तो प्लीज डोंट गो द बुक, मैंने चेक भी नहीं करा क्या होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, लेट्स इरेज दिस। अब ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मैंने आपको अभी समझाया था कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो पहला पार्ट क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। इसके अंदर तीन तीन बार वेरिएबल्स आए हुए हैं, तो पहले वेरिएबल की पावर क्या है 3, दूसरे की 2, थर्ड की 1, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी इसकी डिग्री 3, बिकॉज वो बड़ा है। सेकेंड पार्ट क्या है, 4 - y² एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है 2, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। थर्ड पार्ट क्या है, 5t - √7 इसके अंदर भी एक ही वेरिएबल है, और उसकी पावर क्या है, अगर कोई पावर नहीं होती तो क्या होता है, होती है पावर 1, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। अब यहां पर क्या है, ओनली 3 वेरिएबल तो है ही नहीं, तो कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, खुद ही वेरिएबल ले लेंगे, जैसे कि आपको पहले बताया था ना अभी, हाँ अभी समझाया भी था। तो हम लोग सपोज इसको कैसे लिख देंगे 3x। अब हम लोग x की क्या पावर रखे ऐसी किसमें कोई चेंज ना हो, याद करिए हमने क्लास 8 में जब पढ़ी थी ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी, सब पढ़ी थी, एक एक्स रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, मतलब हम लोग अगर किसी भी वेरिएबल की, किसी भी मतलब किसी भी चीज की अगर पावर 0 होगी तो उसका मतलब क्या होता है 1। तो हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3x⁻⁰। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी x⁻⁰ की 1, और 3 × 1 का मतलब क्या ही होगा 1, तो इसलिए यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी 0। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हमने खुद ही वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू इसकी पावर क्या है 0, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 0। आप लोग कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं 0। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर
क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, हमको इनको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. ये भी मैंने आपको समझाया था, याद है ना? अब देखते हैं पहला पार्ट क्या है. पहले मैं आपको समझा देती हूँ, अगर जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो डिग्री है अगर वो वन होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? लीनियर. अगर डिग्री क्या होगी? वन. अगर जो डिग्री है वो टू होगी तब से हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक. और अगर जो डिग्री है वो थ्री होगी तो हमसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक. पहला पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जिसके अंदर डिग्री क्या है? टू. तो हम लोग क्या बोलते हैं टू डिग्री वाले को? क्वाड्रेटिक. इसलिए हम क्या लिख देंगे इधर? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सेकेंड क्या है? x माइनस एक्स क्यूब, इसके अंदर डिग्री क्या हो जाएगी? थ्री, बिकॉज यहाँ पे इसकी पावर क्या है? वन. यहाँ पे थ्री, क्या बड़ा होता है? वन या थ्री? थ्री. अब क्या बोलते हैं थ्री वाले को? क्यूबिक. यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्यूबिक. थर्ड क्या है? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ पे क्या होगी डिग्री? यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, क्या बड़ा होता है? वन या टू? टू. क्या बोलते हैं टू डिग्री वाले को? क्वाड्रेटिक. यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्वाड्रेटिक. फोर्थ क्या है? वन प्लस एक्स, इसके अंदर क्या है डिग्री? वन, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या होती है? पावर वन. तो इसलिए क्या बोलते हैं वन डिग्री वाले को? लीनियर. तो इसलिए क्या हो जाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल. फिफ्थ क्या है? थ्री. देन वेरिएबल, यहाँ भी कोई पावर नहीं है, मतलब क्या होगी? पावर वन. क्या बोलते हैं वन डिग्री वाले को? लीनियर. यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगेन लीनियर. सिक्स क्या है? आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है डिग्री? टू. तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक. लास्ट क्या है? सेवन एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है? थ्री डिग्री. तो उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक. यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यूबिक. तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज. आई थिंक आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.